Hello everyone, greetings to all and welcome to taskbook.com. मेरा नाम है सितवारी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे. सो दोस्तों, NSPC JEE का एग्ज़ाम होने वाला है 23 जुलाई को, और इस NSPC JEE के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है भारत के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि NSPC जो एग्ज़ाम है इसमें तो इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल आने की संभावना है ही. बाकी के जो अदर आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो उसमें भी इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है. तो आज के इस सेशन में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स हैं उन सब के बारे में बताने जाऊँगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, कब स्थापित किए गए थे, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है. तो साथ में हम लोग मैप और इमेजेस की मदद से भी इनको देखने जाएंगे, ठीक है. सो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं, और बाकी जितने भी लोग जुड़ते चले जाएँ तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जी हाँ, सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी जो है वो दबा दीजिएगा, ठीक है. सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. बाकी इसकी PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर. टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखिएगा, दैट इज @ सुसट्टा, ठीक है. देखिए, अब देखिए, आपके एग्जाम में जो वेरियस क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि भारत का सबसे पहला जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो कौन सा है. हो सकता है उसका नाम दे दिया जाए, उसकी लोकेशन पूछ ली जाए, कब स्थापित किया गया था. भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है, ठीक है. द्वितीय सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है, ठीक है. अभी भारत विश्व में हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली उत्पादन के मामले में कौन से नंबर पर है. तो इन सभी बातों का आज हम लोग जवाब जानने के लिए ही बिल्कुल इस सेशन को कवर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है. तो अगर इसमें क्वेश्चन में हम लोग बात करने जाएं कि भारत का सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा था, दोस्तों आई होप आपने सुना होगा, जिसका नाम है सिवाना समुद्रम. ये जल विद्युत, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा, ठीक है. चलिए, अब मैं सबसे अगर लार्जेस्ट पूछा गया तो जो सबसे लार्जेस्ट है, याद रखिएगा, तो ये याद रखिएगा शिव समुद्रम है आपका, ठीक है. तो जो सबसे बड़ा मतलब पहला है शिव समुद्रम, और दूसरा याद रखिएगा जो सबसे लार्जेस्ट है अगर हम लोग बात करने जाएं, ठीक है, वो आपका कौन सा है, कोयना वाला पार्ट है, ठीक है. अच्छा, अब इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या होते हैं, तो ये वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, ठीक है. तो अभी आपने सबसे लार्जेस्ट देखा कोयना, जो आपकी कोयना नदी पर स्थित है, और ये आपका कहां पर स्थित है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ठीक है. सो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे लार्जेस्ट याद रखिएगा हाइड्रो पावर प्लांट है भारत का. डैम के बेसिस पे आंसर मत करिएगा दोस्तों, ठीक है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डैम के बेसिस पे आंसर करना शुरू कर देते हैं, तो डैम के बेसिस पे मत टिक किया करिए, क्योंकि जब से सबसे जो टॉलेस्ट और हाइएस्ट डैम है भारत का वो आप टिहरी पढ़ते हैं, ठीक है. भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम तो आप हीराकुंड के बारे में बात करते हैं, लार्जेस्ट में आप सरदार सरोवर और जो भाखरा नागल डैम है उसकी बात करते हैं. तो डैम के लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के बेसिस पे हाइड्रो पावर प्लांट्स को मत टिक किया करिए, ठीक है. तो ये आपने पढ़ा कि जो आपका शिव समुद्रम है, याद रखिएगा ये आपका पड़ता है कर्नाटका में और कावेरी नदी पर बना हुआ है, इसको हम लोग पहला मानते हैं. लेकिन सबसे ओल्डेस्ट अगर देखा जाए भारत का तो वो दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा. तो उसमें जो आपको होगा ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू जाना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर मैं 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू बात करने जाऊं दोस्तों, तो भारत जो है विश्व में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन रखता है, और इसकी पोजीशन लगातार याद रखिएगा इंप्रूव हो रही है. तो ये हाइड्रो पावर प्लांट से, ठीक है, याद रखिएगा जल विद्युत उत्पादन के मामले में भारत की जो पोजीशन है वो लगभग 7वीं है हमारी, और लगभग भारत जो है ये 47,000 याद रखिएगा मेगावाट जो है ऊर्जा इससे उत्पादन करता है, ठीक है. और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो सबसे ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है आपका, दैट इज सिद्रापोंग, और ये पड़ता है आपका दार्जिलिंग में. ये सबसे भारत का ओल्डेस्ट माना गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा 1897. तो अब आपको शिव समुद्रम और सिद्रापोंग में अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो सिद्रापोंग को टिक करना है, अदरवाइज मैक्सिमम जो ऑप्शन में आता है वो आपको शिव समुद्रम ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है. तो ये याद रखिएगा 1897 में स्थापित किया गया था, और ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट है दोस्तों, ठीक है. और जो दूसरा शिव समुद्रम आया वो आपका कब आया, 1902 में, और ये आपका कहां पर स्थित है, याद रखिएगा कर्नाटका, तो ये कावेरी नदी पर. और दूसरा याद रखिएगा सिद्रापोंग आपका कहां पर, दार्जिलिंग में. दोनों याद रखेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट आपने कर लिया, ठीक है. अब कई बार पूछा जाता है कि भारत में कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पोर्ट्स हैं, कहां पर सबसे ज्यादा रेलवे लाइन है, कहां पर सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क है, और कहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है. तो वो तो वेरियस टॉपिक्स हैं आपके जो कभी हम लोग मिक्स टॉपिक में कवर करेंगे. लेकिन इसी तरीके से पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक हाइड्रो पावर प्लांट्स है, मतलब जल विद्युत की मदद से हम लोग पावर का उत्पादन करते हैं, और सबसे मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्लांट्स में कौन से हैं. तो अगर ऐसे हम लोग बात करने जाएं तो दोस्तों 5 राज्य हमारे देश
इसमें उत्तराखंड को याद रखिएगा, महाराष्ट्र को याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को याद रखिएगा और दूसरा गुजरात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा गया दोस्तों कि विच इज द लार्जेस्ट, तो आई होप कि आपने अब पढ़ लिया, इसको बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा कोयना नदी पर बना हुआ डैम है जिसका नाम कौन सा है, कोयना प्रोजेक्ट। तो ये भारत का सबसे बड़ा हम लोग मानते हैं, ठीक है। भारत का सबसे पहला आपने देख लिया जिसका नाम था सिद्रापोंग और ये आपका कहां पर लोकेटेड है, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो क्षमता थी अगर हम लोग बात करने जाएं तो 130 किलोवाट की है और ये 1897 में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये भारत का हमने देख लिया कौन सा सबसे पुराना और सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। अच्छा, कभी पूछा गया कि दोस्तों विश्व का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे लार्जेस्ट है उसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम और ये याद रखिएगा ये कहां पर लोकेटेड है, चाइना में। और अगर ये भी पूछा गया कि विश्व में सबसे अधिक हाइड्रो पावर प्लांट की मदद से बिजली का उत्पादन कौन करता है, तो कंट्री कौन सा है, चाइना। तो ये विश्व के 4 टॉप 10 कंट्रीज लिए हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट्स की मदद से सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिसमें चाइना है, कनाडा है, ब्राजील है और दूसरा आपका कौन सा है, सॉरी चौथा कौन सा है, यूएसए। इंडिया याद रखिएगा 7वीं पोजीशन पर आता है। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है दोस्तों, जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या आप ये जो भी आपके हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं क्या आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी लोकेशन देखना बहुत सिंपल है, तो मैं इनकी लोकेशन क्या करता हूं कि एक बार आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूं। तो थोड़ा सा मेरे साथ आपको इसमें क्या करनी होगी दोस्तों कि मेहनत करनी होगी वन बाय वन, फिर आप आसानी से समझ ले जाएंगे और इसी से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका सिंध और लोअर झेलम, ये आपके बने हुए सब कहां पर, ये है आपके जम्मू कश्मीर वाले भाग में, ठीक है, ये झेलम नदी पर और ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में दोनों की लोकेशन। पोंग डैम की बात करने जाए तो ये ब्यास नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है भाखरा और ये नागल डैम, तो भाखरा नागल ये याद रखिएगा, एक नाथपा झाकरी पढ़ते हैं और एक भाखरा के बारे में बात करते हैं। ये आपके पंजाब और ये जो मतलब हिमाचल प्रदेश, इनकी बॉर्डर पर आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों बने हुए सतलज नदी पर। फिर आप देखते हो टहरी, तो टहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में भागीरथ नदी पर है, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं दोस्तों जवाहर सागर और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, तो ये जो तीनों के तीनों मिलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये एमपी में और महाराष्ट्र में आपको मिल जाते हैं और ये बने हुए चेनाब नदी पर जो कि यमुना की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उकाई परियोजना आपने पढ़ा होगा, ये गुजरात में सूरत नदी पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। फिर आप देखते हैं, आपने पढ़ा कौन सा, महाराष्ट्र में कोयना, तो खोपोली याद रखिएगा, ठीक है, और दूसरा पानसेट डैम है, खड़कवासला है, बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे कोयना सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग कर्नाटका में, तो कर्नाटका की अगर बात की जाए तो आपने शिव समुद्रम के बारे में पढ़ा, ठीक है, जोग के बारे में पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है, सारावती रिवर आई होप कि आपने पढ़ा होगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, तो इन नदियों पर भी है, ठीक है। इडुक्की आपका कहां पर है, याद रखिएगा, केरल में, और कोडायार जो आपका पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपका पड़ जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नागार्जुन सागर, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर भी पूछा जाता है तेलंगाना में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं हीराकुंड, तो ये आपका पड़ता है कहां पर, उड़ीसा में दोस्तों, याद रखिएगा, गंडकी, ओबरा और ये जो बिहंड है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको कहां पर मिल जाएंगे, याद रखिएगा, बिहार वाले सेक्शन में। फिर यहां पर ये आपको मिलता है नॉर्थ ईस्ट में लोकटक वाला पार्ट, ठीक है, बंगाल में आपको याद रखना है, बंगाल में कौन सा आपने पढ़ा था, दैट इज अ सिद्रापोंग, जो आपका वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इनकी सबकी लोकेशन है और ये सबकी लोकेशन है आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैंने आपके लिए प्रॉपर तरीके से लिस्ट तैयार की हुई है दोस्तों, तो मैं आपको सारी चीजें ये लिस्ट की मदद से भी बताने का प्रयास करूंगा, तो आइए हम लोग सभी को वन बाय वन लिस्ट में देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दबाजी मत मचाइएगा, मतलब वन बाय वन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला हम लोग जो देश में देखने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा कौन सा, टहरी, ठीक है। तो टहरी को हम लोग सबसे टॉलेस्ट और हाईएस्ट डैम भी बोलते हैं और ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है, और ये भागीरथी नदी पर स्थापित है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था दोस्तों, और इसकी स्थापना भारत में यूएसएसआर यानी रशिया की मदद से की गई, ठीक है। अब रशिया का विघटन बाद में होता है, 1990 में ब्रेकआउट होता है 15 कंट्री में, तो उस समय तो इसको हम लोग रशिया के नाम से ही जानते थे दोस्तों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में जरूर पढ़ के चले जाएगा, भारत का सबसे हाईएस्ट डैम है या टॉलेस्ट डैम आप कह सकते हैं। फिर है श्री सैलम दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भारत का, क्योंकि पहला जो आपने पढ़ा है वो कोयना है और वो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, 1960 में आया दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, तो कृष्णा पर नागार्जुन सागर और
तीसरी सेलम आप पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आपने भाखरा नागल डैम तो ऑलरेडी पढ़ा है, ये कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू लार्जेस्ट माना जाता है और ये पंजाब हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर है, सतलज नदी पर, और 1948 में स्थापित किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नागार्जुन सागर के बारे में अभी आपने पढ़ा, नागार्जुन सागर याद रखिएगा, ये आपके आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से दोस्तों जो अलग हुआ है वो कौन सा, तेलंगाना। तो आपको मालूम है कि ये दोनों के दोनों राज्यों को बेनिफिट पहुंचाता है और कृष्णा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 1967 में बनाया गया था और ये विश्व का सबसे बड़ा मसनरी डैम है दोस्तों, ठीक है, जिसमें टोटल कितने गैम है, गेट्स हैं 26 गेट्स हैं, ठीक है। इडुक्को परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाएगा ये दोस्तों, पेरियार नदी मतलब केरल में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, 1976 में बनाया गया था और ये आपका याद रखिएगा जो केरला है ये बहुत ही बड़े लेवल पर आपके निर्भर है किस पर, इडुक्की डैम पर, ठीक है। सरदार सरोवर तो आपने पढ़ा होगा, नर्मदा, जो नर्मदा में डिफरेंट डिफरेंट परियोजनाएं हैं, एक आपने बर्गी परियोजना के बारे में पढ़ा होगा, एक आपने इंदिरा परियोजना के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो नर्मदा परियोजनाओं में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है दरेजा सरदार सरोवर, ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया, 1987 में इसका निर्माण किया गया था और ये लार्जेस्ट डैम माना जाता है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का, ठीक है। चलिए अगले अगर हम लोग देखने जाए तो शिव समुद्रम अभी आपने देखा कर्नाटका में और कावेरी नदी पर बनाया 1902 में और इसको आप पहला मानते हैं, ठीक है, इसको आप पहला मानते हैं अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिद्रापोंग, ठीक है। तीस्ता डैम ऑलरेडी याद रखिएगा ये किस पे बना हुआ है, सिक्किम पे और तीस्ता नदी पर, तीस्ता बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जिसको लेकर के बांग्लादेश और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट भी है, 2030 में इसका निर्माण किया गया था और ये तीन टर्बाइंस कंसिस्ट करती है दोस्तों, ठीक है। फिर कोयना ऑलरेडी आपने बताया कि ये भारत का सबसे लार्जेस्ट है, 1956 में बनाया गया था कोयना और कहां पर, महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देख के जाना है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं सलाल परियोजना और धूलहस्ती परियोजना, तो दो परियोजनाएं हैं दोस्तों, एक सलाल परियोजना और एक है आपकी धूलहस्ती परियोजना। और ये सलाल परियोजना आपने देखा होगा कि कई बार इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में मैत्री का सिंबल भी रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा मैत्री इंडिया और अफगान के बीच में मैत्री का सिंबल रिप्रेजेंट करती है और ये आपके यूनियन टेरिटरी कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में चिनाब, जिसमें विश्व का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया, 1970 में इसको बनाया गया था और दो स्टेज में बना हुआ था, ठीक है। फिर रणजीत सागर आपका पंजाब में रावी नदी पर है, 1981 में इसका निर्माण किया गया दोस्तों, ठीक है, और इसको हम लोग कई बार थिन डैम के नाम से भी जानते हैं, तो ये एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया, ठीक है। फिर आता है मचकुंड, जो उड़ीसा में मचकुंड रिवर पर है और उड़ीसा में दूसरा आपका हीरा कुंड भी लोकेटेड है, जो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट आप क्या पढ़ते हैं, डैम पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1957 में बनाएगा, ये मल्टी पर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है और स्वतंत्रता के बाद इसका निर्माण किया गया, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं ये रंगीत डैम जो सिक्किम में है, फिर आप पढ़ते हैं दोस्तों बाणसागर, इंपॉर्टेंट है, सोन नदी पर बनाया गया है, जो आपकी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं इंदिरा सागर, याद रखिएगा नर्मदा नदी पर, अभी आपने पढ़ा था इंदिरा सागर, बर्गी परियोजना, सरदार सरोवर, तो ये सब किसकी हैं आपकी, ये नर्मदा की हैं और परियोजना है और ये लार्जेस्ट रिजर्वायर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कैनाल पूछा गया भारत की सबसे बड़ी पूछी गई, तो आप इंदिरा उसके कनाल के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरा अगर हम लोग बात करने जाएं तो नाथपा झाकरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपने पढ़ा था सतलज में हिमाचल प्रदेश में 1993 में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। ये छह टर्बाइंस कंसिस्ट करता है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक और है ओमकारेश्वर और ये याद रखिएगा ये उड़ीसा में लोकेटेड है इंद्रावती नदी पर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट कौन से थे, सभी के सभी हाइड्रो पावर प्लांट जिनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पुराना अगर पूछा गया तो सिद्रापोंग पढ़ने जाएंगे पहला पूछा जाएगा दोस्तों, तो किसके बारे में पढ़ के जाना है, शिव समुद्र पूछा जाना है। विश्व में अगर भारत की बात करने जाए तो 2022 के अनुसार हम लोग सातवीं पोजीशन पे थे और विश्व में सबसे अधिक हाइड्रो पावर से जो बिजली का उत्पादन करता है वो कौन सा करता है, चाइना करता है, ठीक है। अब जो इसमें फैक्ट आते हैं उस फैक्ट को अगर मैं जल्दी से कवर करना चाहूं दोस्तों, तो कोयना के बारे में भी आपने पढ़ा कि भारत का सबसे लार्जेस्ट है और लगभग जो पावर कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है 1960, ठीक है। और सबसे पहला आपने देख लिया सिद्रापोंग जो दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है। टेहरी को हम लोग दोस्तों हाईएस्ट के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको एनटीपीसी ऑपरेट करता है। श्री सैलम को आप दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट मानते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसको भी देख के चले जाइएगा, ठीक है। और नाथपा झाकरी भी आपने देख लिया, ठीक है, अंडरग्राउंड हाईएस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है नाथपा झाकरी, जो सतलज नदी पर स्थित। सरदार सरोवर दूसरा देखा आपने, जो विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है और ये आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये
आपके इम्पोर्टेंट जितने भी याद रखिएगा हाइड्रो पावर प्लांट्स थे वो सब हमने देखे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको मन करता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को कवर करना है, थर्मल पावर प्लांट को कवर करना है, तो भी मैं कर दूंगा। ट्राइब्स वाला पोर्शन अगर आप कवर कराना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखिएगा, दैट इज एट द रेट सर टेक्स्ट बुक दोस्तों। ठीक है, और बिल्कुल बाकी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ और यूज कर सकते हैं कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।